केदारनाथ से लगभग ऊपर 7 से 8 किलोमीटर दूर पर बासु की ताल ट्रैक पर 1 सितंबर को 4 लोगों की टीम गई थी, जिसमें से एक युवक आदित्य सिंह की अचानक तबीयत खराब होने से की सूचना मिली। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवा ने बताया कि आज ट्रैकर विनय नेगी ने बताया है कि 1 सितंबर 2023 को अपने 4 साथियों के साथ बासु की ताल गए, जहां अचानक उनके एक साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने शीघ्र बासु की ताल के लिए पवन हंस हेली भेजा गया, वहां से चारों को हेली के माध्यम से रेस्क्यू कर स्वास्थ्य उपचार के लिए फाटा लाया गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल भेजा गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। साढ़े 5 बजे ये लगभग केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर बासुकी ताल की यात्रा रूट पर 4 ट्रैकर ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसमें कि एक ट्रैकर द्वारा, जो जिसका नाम विनय था, उसके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि यहाँ पर जो हमारा साथी है आदित्य, उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई है, वो ना बोल पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। तो तत्काल जिलाधिकारी महोदय की संज्ञान में देते हुए उसमें हमने पहले मैनुअल रेस्क्यू SDRF और NDRF को भी तत्काल उनको भी सतर्क किया, और उसके बाद जब मौसम ठीक होने के कारण वहां पर तत्काल हेली रेस्क्यू से उनको फाटा लाया गया, जिससे कि वो अभी जिला अस्पताल में जिसका कि